अगर आपको आता है तो आप ये सोचो, मुझे थायराइड तो श्योर है कि थायराइड का ग्रेव डिसीज होता है। ग्रेव, ग्रेव मैंने क्यों बोला, एक्सोथेलमिक गोइटर वाला ग्रेव होता है। तो ना मुझे बी का तो फर्स्ट श्योर था, तो मैंने थर्ड और फोर्थ को बुक कर देती हूँ, मैं इन दोनों पे लगा देती हूँ क्रॉस, भाई ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब मुझे ये पता है, मुझे पेनक्रियास का श्योर है, डायबिटीज मेलाइटस डी का सेकंड होगी, मैं थर्ड पे श्योर। अभी भी मैं नहीं कह रही तुम करके आना, ठीक है, ए का थर्ड। अरे हाँ, पिट्यूटरी के अंदर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो एडीएच रिलीज करती है, वैसोप्रेसिन रिलीज करती है, उसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल कर रहा है डायबिटीज, इंसिपिडस को। थायराइड ग्लैंड किसको कंट्रोल कर रहा है, ग्रेव्स डिसीज को। और एडरेनल वाला एडिसन, याद करो एनसीईआरटी की लाइन थी, एडिसन डिसीज को। क्लियर हो गया?